या चित्रपटाची आपण जी टॅगलाईन ती जी ठेवलेली आहे, चित्रपटाची जी टॅगलाईन आहे ती प्रत्येक मुलाने आपल्या आईबाबांना दाखवावा असा हा चित्रपट आहे. आई वडिलांची जी काही वागणूक असते घरामध्ये त्याचं रिफ्लेक्शन हे नेहमी मुलांमध्ये पडत असतं आणि त्याप्रमाणे त्यांचे स्वभाव चेंज होत असतात. परंतु मुलं ही बेसिकली फार इनोसंट असतात आणि त्यांना इनोसंटच आपण ठेवावं अशा कथेवरती आधारित हा चित्रपट आहे. याच्यामध्ये नंदू माधव सर आहेतच, उपेंद्र लिमय आहेत, मोहन जोशी सर आहेत, त्यानंतर देविका दफ्तरदार आहे, गिरीश परदेशी आहे, प्रवीण तरडे आहेत, हे कलाकार याच्यामध्ये आहेत. चुनिंदा सिनेमा करते हैं आप, जितना मैं आपका काम, मैं मुझे अपनी मालूमात है आपके बारे में जिस हद तक वो सही है. हाँ हाँ. और क्या खास आपको लगा, यू सेड यस टू द फिल्म, जो आपको अपील करा कि हाँ यार आई वांट टू पार्ट ऑफ द फिल्म? हाँ, बेसिकली मैं ये देखता हूँ हमेशा फिल्म प्रोजेक्ट जो करना है वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद में मेरी भूमिका, मेरा किरदार क्या है वो उसके बाद में रहेगा, लेकिन वो क्या कंटेंट क्या है उसका, ये बहुत मेरे लिए मायने रखता है. तो इसीलिए जब उसने मुझे स्टोरी बताई, फ़ोन किया और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बेसिक है हमारे समाज के लिए, शिक्षण, शिक्षा व्यवस्था, ये आज तक हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका बाजारीकरण हो रहा है, इसका लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है. तो मुझे लगता है इसके ऊपर भाष्य करने वाली ये कहानी है और मैं इसमें एक मुख्याध्यापक जो स्कूल है उसका प्रमुख हूँ और मेरी अच्छी स्कूल करने की एक कोशिश है. वो सफल होती नहीं होती ये स्टोरी में आ गया आपको. अच्छा, कोशिश जैसे आपने कहा कि आपके किरदार की कोशिश, एक प्रिंसिपल है आप स्कूल के और आपकी कोशिश है स्कूल को अच्छा करना. अच्छा करने के दो माध्यम होते हैं, अपने निजी फायदे के लिए, आर यू प्लेइंग अ ग्रे और आर यू प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल? नहीं, वो भी नहीं बताऊंगा. सभी अभी बताएंगे तो फिर क्या सरप्राइज है. नाही, त्या चित्रपटाचा यशाशी काहीही संबंध नाही. आपला त्याचा विषयच वेगळा होता. आपला सब्जेक्ट, आपला जो सब्जेक्ट आहे हा कम्प्लिटली वेगळा सब्जेक्ट आहे. मी जसं सांगितलं की याच्यामध्ये आई वडिलांचं जे रिफ्लेक्शन असतं ते मुलांच्या स्वभावामध्ये येतं, त्यामुळे हा सब्जेक्ट हा अतिशय वेगळा होता. त्याच्यामध्ये जे होतं ते शिक्षणावरती भाष्य केलेला तो चित्रपट होता, आपल्या याच्यामध्ये थोडासा वेगळा आहे. म्हणून तर तुम्ही जर का टॅगलाईन याची व्यवस्थित केली तर ती मुलांनी आपल्या आई वडिलांना दाखवलं, कारण मला काय पाहिजे, मुलगा म्हणून मला, लहान मुलं म्हणून मला काय पाहिजे हे आई वडिलांना समजलं पाहिजे. कारण की रेग्युलरली आजकालच्या आई वडिलांच्या जे रेग्युलर लाईफ असतं त्याच्या धावपळीमध्ये, त्यांच्या कामामध्ये, सर्व गोष्टींमध्ये ते विसरून जातात की आपल्या मुलांना खरंच काय पाहिजे, त्यांचा आनंद खरा कशामध्ये दडलेला आहे हे ते विसरूनच जातात आणि ते त्यांच्याच कामामध्ये व्यस्त असतात. परंतु मुलांना खरं काय पाहिजे, त्यांचा आनंद कशामध्ये आहे हे या फिल्ममध्ये मी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ज्यादातर बच्चों का तो कोई गुनाह नहीं होता, वो तो जैसे हम शिक्षक उनको सिखाएंगे या घर के लोग उनको सिखाएंगे वही वो बर्ताव करते हैं. उनकी गलतियां बहुत नहीं होती है, नहीं के बराबर मैं भी मानता हूँ खुद निजी जीवन में. ये सिनेमा जो भाष्य करता है ये सोसाइटी पे करता है, नॉट ओनली पेरेंट्स. तो टैगलाइन में आज पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि आज तक हम ऐसे बोलते थे कि हर पेरेंट ने अपने बच्चों को दिखाने लायक फिल्म है, बच्चों को ले जाओ, उनको सिखाओ, उनको अपडेट करो ये समाज से, तो ऐसी टैगलाइन होती थी. लेकिन आज ये टैगलाइन फिल्म की है, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को दिखाने लायक ये फिल्म है. तो बच्चे घर के जाएंगे और अपने, खाली पेरेंट्स नहीं है तो सोसाइटी के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो सर्विस में हैं, जो कुछ नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, उन लोगों ने उनको बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए. और बाकी अलग अलग खूब एंगल्स भी हैं जो कि आप नेगेटिव पॉजिटिव इसमें बहुत एलिमेंट्स हैं. इसके गाने बहुत बढ़िया हैं.
जो सोनू निगम ने गाना गाया है और वो तो पॉपुलर, हाँ क्योंकि गाने जितने पॉपुलर होंगे उतनी फिल्म भी हिट होगी, तो वो बहुत पॉपुलर ऐसा गाना होने वाला है। नंदू सर ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि मुझे मुझे क्या, हम सब मानते हैं मराठी सिनेमा बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आता है हमेशा, तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहचान भी मिलना चालू हो गया, सराट से शुरुआत हुई और भी अन्य जैसे आप जो हरिश्चंद्रा जी फैक्ट्री, वो बहुत सी कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि उतने लोगों तक वो बात पहुंच जाए, जब हम पीएलए की बात करते हैं या थिएटर के माध्यम से बात करते हैं, वो पहुंच नहीं पाता। डू यू फील यू नो समवेयर सैड अबाउट इट, और व्हाट विल द बेस्ट वे टू रीच आउट टू मोस्ट ऑफ द पीपल? नहीं, वो तो जैसे आप बोल रहे हैं कि रीच होना चाहिए जनता तक, प्रेक्षक तक वो जानी चाहिए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कितना हम उसको अच्छा बनाएं, स्टोरी में छोटे छोटे एलिमेंट, सबकी कहानी कैसे उसको जुड़ जाए, ये हमारी तरफ से क्रिएटिव हम करते हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग पहुँचो। वही मैं अभी बोलने वाला था, जो प्रेक्षक मीडिया जो है वो जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी लेता है, हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं बोला कि आप मीडिया जो है कितनी ज़्यादा तरीके से, कितनी अलग अलग ढंग से लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हम भी ज़्यादा तक पहुंचाएंगे। क्या आपको लगता है ये बहुत अच्छा वक्त चल रहा है मराठी इंडस्ट्री के लिए? बिल्कुल, ये 15 साल तो हमारे मराठी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ प्रोड्यूस भी हिंदी लोग, प्रोड्यूसर बैनर्स भी है, डायरेक्टर्स भी है और एक्ट्रेस भी काम कर रहे हैं, तो ये खाली अपने देश के लिए नहीं तो ये वर्ल्ड के लिए हमारा मराठी जो कंटेंट है वो अपील हो रहा है, वहाँ तक पहुँच रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी। पोस्टर याच्यामध्ये काय दाखवलं की ही या मुलांना एक्झॅक्टली मी जसं सांगितलं की खरं त्यांचा आनंद कशामध्ये, तर तो तुम्हाला आनंद दिसतो त्यांचा, खरा आनंद दिसतोय। आता ते कुठे गेलेले आहेत आणि काय आहे हे तुम्हाला फिल्म पाहिल्यानंतर समजेल। रिलीज डेट 6 डिसेंबर, 6 डिसेंबरला रिलीज होते, ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये 6 डिसेंबरला रिलीज होती आपली। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, जब इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग फिल्म बनती है जहाँ हम बच्चों को और माँ बाप के बीच का जो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको लगता है इस फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि अभी वक्त बहुत है हमारे पास, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से आके क्या आप इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, या मैं ये मीडिया से अपील करता हूँ कि आप ये काम कीजिए कि ऐसी अगर फिल्में बन रही है और हर माँ बाप को, हर बच्चे को ये फिल्म देखनी चाहिए, तो ऐसी फिल्म टैक्स फ्री होनी ही ज़रूरी है, तो आप ऐसा ये करो फोर्सफुली, तो मैं मुझे हाँ मैं हम लोग तो इनिशिएटिव डेफिनेटली लेंगे, लेकिन आप उसको पकड़ के रखेंगे तो ज़रूर ये हो सकता है। हाँ, मला तो वाटतं की आतापर्यंत शिक्षण या विषयावर, कसं की प्रेम विषय असतो, कारखानदारी विषय असतो, प्रत्येक वेगवेगळे विषय असतात, तसा हा शिक्षणावर वेगवेगळ्या लोकांनी डिरेक्टरनी लेखकांनी आतापर्यंत लिहिण्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हा परत मला वाटतं की वेगळा अँगल आहे, तर हा अँगल जर मुलं आणि पालक यांच्यापर्यंत जर पोचवायचा असेल आपल्याला, तर मला वाटतं की जशी आम्ही एक जबाबदारी घेतली की या विषयावर करण्याची, तशी मीडियानं घ्यावी, तशी गव्हर्नमेंटनं त्यांच्यापर्यंत कोण पोस्टवर असतील लोक त्यांनी जरा या चित्रपटाकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहावं, आणि प्रेक्षकांनी सुद्धा की हा चित्रपट आपण का पाहणं गरजेचं आहे, काय आपल्याला एज्युकेट करतो आहे, ते करण्यासाठी तरी हा चित्रपट तिथपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे, मग टॅक्स फ्री झाला तर खूपच उत्तम आहे। थँक्यू सो मच। कारण की मी शेवटचं बोलू इच्छितो की याची जी टॅगलाईन जी आहे तिच्यावरती तुम्ही जास्त फोकस करा, की प्रत्येक मुलाने आपल्या आई बाबांना हा चित्रपट दाखवायला पाहिजे, ही अतिशय महत्त्वाचं या चित्रपटाचा एलिमेंट आहे आणि त्याच अनुषंगाने याची कथा आहे। ओके, थँक्यू, धन्यवाद, थँक्यू। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.